नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A23 versus Vivo Y33T का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A23 में 6.51 इंच जबकि Y33T में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy A23 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A23 में 3.03 इंच जबकि Y33T में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A23 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A23 में 0.33 इंच जबकि Y33T में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A23 में 195 ग्राम्स जबकि Y33T में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। Any ideas? तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A23 में TFT LCD जबकि Y33T में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A23 में 6.6 इंचेस जबकि Y33T में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A23 में 82.68% जबकि Y33T में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A23 में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y33T में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A23 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y33T की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Y33T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y33T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy A23 में Android V12 जबकि Y33T में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y33T की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 18,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A23 में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y33T की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F41 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10S है, तीसरा रियलमी नाजो 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको M3 प्रो 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।